वेलकम बैक टू गपशप जी। आप बताएं जी, आपने भाईजान से मोहब्बत का इजहार किया था या उन्होंने आपसे पहले किया था? ये तो उसने पहले, उन्होंने किया था, तदे फंसे हुए जी। मारी, आपको समझ आ जाती है सारी बातें ये जो कर रहे हैं? आ जाती है। हाँ, पंजाबी। अच्छा, पंजाबी सीखने की कोशिश की कभी? पंजाबी थोड़ी सी समझ आती है, बट बोल नहीं सकते। और आपको कितना टाइम लगा समझने में? बिकॉज़ आप काफी अच्छा अंडरस्टैंड करते हो। एक साल में मैंने सीख लिया उर्दू। एक साल में सीख लिया उर्दू। लेकिन मैं समझती थी, बोल नहीं सकती थी। ओके, थोड़ा बहुत। तो शेब भाई से जब आप लड़ती हैं तो उर्दू में लड़ती हैं या रशिया में? नहीं, घर रशिया में नहीं नहीं लड़ती, नहीं रशियन जुबान में लड़ती हैं ये, बिल्कुल। थैंक यू यार, इसीलिए वासे बुलाया था आपको। हम घर पे सिर्फ रशियन ही बोलते हैं। घर पे सिर्फ रशियन बोलते हैं? सिर्फ रशियन बोलते हैं। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, वो कह रही हैं हम बोलते हैं सिर्फ रशियन, यानी कि लड़ाई भी रशियन में ही होती है। और ये उनको भी रशियन फ्लुएंटली आती है? उसको आती है, वो 7 साल पढ़ते थे कजाकिस्तान में, तो वो पहले जुबान सीख ले, उसको लिखना भी आता है, पढ़ना बोलना सब। वो कैसे रशियन में कैसे बोलते कि मैंने आज मशीन नहीं लगानी? क्या नहीं लगाते? वो कपड़े धोने वाली मशीन नहीं होती? वो नहीं लगाते। आप रशियन में मुझे बोलेंगे कैसर भैया मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। वो अच्छी क्रेसी हुई लस्सी भी लस्सी हुई ये तो कोई एक बेसिक हो गया ना। आप रशियन में कैसे कहेंगे कि आप कैसे हैं, क्या हाल है आपका? काक ваши дела? वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन जिंदगी का वॉशिंग मशीन पे घूम रहे। आज शायद लगाया नहीं ना वॉशिंग मशीन तो। आपकी किस जुबान में लड़ाई होती है घर में? उर्दू में ही होती है जी। उर्दू में होती है। अच्छा, और आमतौर पे किस बात पे होती है? टाइम ना देने। और इसका आपके पास कोई इलाज भी नहीं होता होगा? आई एम श्योर। हर बार फिर बाहर निकल जाता हूँ। सबसे बेस्ट। आपकी वैसे इस बात पे किस बात पे होती है, इफ यू डोंट माइंड मी आस्क? वैसे नहीं होती लड़ाई, शुरू में ज्यादा होती थी, अभी किस बात पे होती थी शुरू में? छोटी बातों में, अभी याद ही नहीं है। बस याद भी नहीं है, मगर आप कभी हो तो किस बात पे होती है? टाइम ना देने वाला ये वाला एलिमेंट है या कोई और? नहीं नहीं, टाइम तो देते हैं सब, टाइम देते हैं, वो वाला नहीं है मसला। नहीं, मगर और क्या? कोई नहीं, लड़ाई होती है। अब लड़ाई होती ये नहीं। सच होती ही नहीं है। आप वापस मिलने जाते हैं अपने फैमिली को? जी, हर साल जाती हूँ। हर साल जाती हूँ जी, गर्मियों में जब बच्चों के स्कूल से छुट्टी होती है, बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती है तब जाती हैं वो। तो अब छुट्टियाँ होगी, अब जाएंगी? अब जाऊंगी मैं महीने बाद। मेनू भी ले जाओ, मेनू कोई नहीं लेके जाता। मुझे हर किसी लड़की ने रिजेक्ट किया है। अच्छा। तो मैं क्या कहूँ उनको जाके? आप बात करेंगी कि इनसे शादी कर लेंगे? हाँ, हो जाएगी इंशाल्लाह। या मुझे भी तो डॉक्टरी करनी पड़ेगी पहले, फिर वैसे ही चले जाए, मिल जाएगी इंशाल्लाह। बट डन हो गया जी, मेरा वादा हो गया इंशाल्लाह। आपने अब लेके जाना है मुझे। ओके। शेर भाई से मैं खुद ही बात कर लूंगा। कर ले। वैसे किस चीज के डॉक्टर हैं वो? रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट हैं वो, ठीक है। तो आप उनसे जरूर रुजू करिएगा। और आई एम श्योर कि अब आप पाकिस्तान में तो आप काफी बदनाम हो चुके हैं अपनी ट्राइयां कर करके, तो आप किसी और मुल्क को मौका दें। मैं उधर जाऊंगा जब रशिया में, तो लड़की को क्या कहूंगा कि वो थोड़ा सा बता दे रशियन जुबान में कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो कैसे कहूंगा? आप सीधा ये बोलेंगे? सीधा ही बोलेंगे, सलाम भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जाऊंगा शादी का, मैं ये किस तरह बोलूंगा? बता दीजिए इनको सलाम, रशियन में बताए ना, ताकि ये तो इमिग्रेशन से वापस हो। आप खुल के बताइए क्या कहेंगे? नहीं, नहीं उसको खुद पता होना चाहिए। बताओ भी, लाइन बताओ क्या। मैं जैसे कहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम, ये तो हो गया। अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी बहन मुझे लेके आई है रिश्ते के लिए, तो डन। ये तो बहुत लंबा, आपको कुछ समझ नहीं आना मैं बोलूँ तो? नहीं नहीं, आएगा मुझे समझ, इनकी बातें आ जाती। अच्छा, आप इसको छोड़िए, आप अब ये यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे अब ये जा रहे हैं, तो आप इसकी रशियन क्या होगी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं ये ना समझिएगा कि कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मेरा नाम सर रिजवान है और मेरा सर से क्वेश्चन है। सर, 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आपको लगता नहीं है कि ये जो सियासी इस्तेहकाम में मुल्क में परफॉर्मेंस ही होना चाहिए? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यह जो मुंडे चल दी बस छाल मार के कह रहे थे होर मंगो कराया। वाकई इस्तेहकाम आना चाहिए और परफॉर्मेंस की बेस पे आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अब तक पाकिस्तान ने जितनी भी तरक्की की है, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, तो मियां मोहम्मद नवाशिर साहब के अदवार में ही पाकिस्तान में तरक्की हुई है। मैं एक छोटी सी बात सर कहता हूँ कि अगर हम सिर्फ
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रिलेटेड मंसूबे पाकिस्तान के अंदर से निकाल लें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि परफॉर्मेंस क्या होती है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब है, मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सर से क्वेश्चन है, आपने अपनी सारी कंपेन की है पाकिस्तान को नवाज दो, फिर आपने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, तो ये आपको लगता है कि नवाज शरीफ के साथ मोए मोए हो गया है? मोए मोए हो गया मोए मोए ये मोए मोए क्या होता है सर? मोए क्या है? ट्रम्प जाए सोशल मीडिया की, ये बड़ा मशहूर है। मोए मोए और आगे से ना गलत बोल रहे हैं। हाँ। मोए मोरे उसका मतलब है मेरा समंदर, बट तो उसको क्यों बार बार बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो ये भी नहीं सुना हुआ ना, मोए मोए पता है ना, ये यूक्रेनियन जबान में है। अच्छा जी, इसका मतलब है मेरा समंदर। मेरा समंदर तो ये बस ये गाना एक यूक्रेनियन, तो उसने पता नहीं टिकटॉक वगैरह करते रहते हैं ना, तो लोगों को तो समझ भी नहीं आ रही है उसका मतलब क्या है। मोए 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 करता है। खैर, इनका कहना है कि मियां साहब के साथ हो गया है, आगे क्या है? और अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या फर्क पड़ता? सर मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब में फर्क कोई नहीं है। दोनों भाई ने बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से पाकिस्तान के लिए खिदमत की है, और आई एम श्योर के जो शहबाज शरीफ साहब का फैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो मियां साहब ने ही फैसला किया होगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुताह शहजादी है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था, आप रशिया से हैं, जब आप पाकिस्तान आई तो आपको रशिया की कौन सी चीज़ यहाँ पे मिस लगी? मुझे रशिया मिस लगी मतलब जो एकदम मैं आ गई, मुझे उस वक्त इतना जबान भी नहीं आती थी, तो ना मेरी कोई दोस्त इधर है, मतलब कोई भी नहीं है, सिर्फ हस्बैंड। तो मुझे बहुत याद आता था घर, मतलब फ्रेंड्स और सारा जिंदगी की रूटीन मेरी जो थी, मतलब प्रॉपर चेंज हो गया एकदम, बहुत मुश्किल था, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो गई, अब ये भी मेरा मुल्क है, वो भी मेरा मुल्क है। हाय हाय हाय। यार बड़ी खुआरी काट के आए मान यार, मैं आई जी साहब नु बहाना ला लेना, डीआईजी साहब नु ला लेना, एस पी साहब नु, डीएसपी साहब नु, हुण ते मोहसिन नकवी साहब नु मैं बहाना ला लेना। अच्छा, नहीं अगर चलदी ना ते तेरी भजाई दे अगे नहीं चलदी। अच्छा, ईमान ने इंज मैं खलोता ना जिवें बेबस बकरी नहीं हुंदी। ओए तुम पता बच्चियां दी छुट्टियां हो गईयां ने, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚਲੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮਰੀ, ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੋਲ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਾ, ਬਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਆ, ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਤਾਲੇ ਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਲੇ ਲਾਏ ਬਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੋਵਾਂ। ਓਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਲੱਭਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਓਹੋ।